यार वो झाड़ू के निशान तो पता चला। हाँ, अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, सदक अल्लाहुल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पहला मरला है हमारे कागजात नामजदगी जमा कराने का। इंशाअल्लाह ताला आज कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह पे भरोसा है, और अल्लाह ताला की वाद नियत पे हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, अल्लाह ताला मेरे दोस्तों की मदद करेगा, अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम की खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। और मैं दुआ कहूँ कि ये इलेक्शन एक मुल्क के लिए बेहतर हो, कौम के लिए बेहतर हो। इस कौम ने बड़ा सफ़र किया है, इस कौम ने बड़े गम देखे हैं, इस कौम ने बड़ी लाशें उठाई हैं, गरीब मरा हुआ है, मजदूर मरा हुआ है, किसान मरा हुआ है। पाकिस्तान में चांदे लुटेरे हैं, डाकू हैं, जो पाकिस्तान को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, और इसकी मुल्क की दौलत लूट के दुश्मन ने पाकिस्तान दुश्मनान इस्लाम के पास लेके जा रहे हैं। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि आज के हमारे माजी के हुक्मरान, सियासी कल्चर, असम्बलियों में बैठ के अफवाज पाकिस्तान जो मुल्क के लिए खून दे रहे हैं, हमारे फौजी भाई जो जाने दे रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, जो हमारे तबके के हैं, उनके खिलाफ साजिश करते हैं, अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं, मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया, कीमती पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान, लाखों करोड़ों कुर्बानी से बनने वाला पाकिस्तान, जो मुस्लिम उम्मा का कमांडर मुल्क है, जो हमें फ़ख्र है, इस्लामी एटमी ताकत है, दुनिया की हमारी बाहिम्मत और जुरतमंद, हमें अल्लाह ताला ने फौज दी है, हमें समंदर दिए हैं, हमें दरिया दिए हैं, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को चारों मौसम से नवाजा है, रहमते रहमते। बदकिस्मती हमारा जो सियासी कल्चर है वो चोरों, डाकों, लुटेरों, बदमाशों पर मबनी है, माली दहशत गर्दों पर है, जिन्होंने इस मुल्क को जमहूरियत के नाम पर लूटा खाया। पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ, मैं आज एक गरीब मजदूर आदमी हूँ, और यकीनन मैं एक बैलदार, एक झाड़ू वाले का बेटा हूं। मैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं सियासत कर रहा हूं, मेरे ऊपर बड़े बड़े मामलात हैं, बड़े बड़े क्राइसिस हैं, जेलें हैं, हथकड़ियाँ हैं, मगर मैं एक सच्चा मुखलिस पाकिस्तानी हूं, और मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये रोशन पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहे। हम इस मुल्क को लहसानियत, फिरकावारियत, कौमियत, इलाका परस्ती से निकल कर हम एक अच्छे नुमाइंदे लेके पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि आपके पास एक आखिरी मौका और खूबसूरत मौका है खुदा के वास्ते, इस सही लोगों को लेके वोट एक ज़मीर का है। पाकिस्तान दुश्मनों को वोट ना दें, मुल्क में तासब फैलाने वालों को, मुल्क में फिरकावारियत फैलाने वालों, मुल्क को लूटने वालों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को वोट ना दें, पाकिस्तान के दुश्मनों को वोट ना दें। खुदा के लिए कौम बन जाए, वो कौम जो 47 में हमने बनिए कि नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, उसमें शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सरेकी मुहाजर सिंधी पख्तून बलोच से हम निकल कर एक सच्चे मुसलमान, चंद दिन की ज़िंदगी है, हम अपनी आखरत को ज़ाया ना करें, यह कीमती मुल्क है। खुदा के लिए मैं अपने गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बहनों, माओ से अपील करता हूँ कि यह मौका है। बाकी मैं मजदूर आदमी हूँ, पाकिस्तान आवामी राज पार्टी की मैंने बुनियाद रखी है, झाड़ू निशान लिया, झाड़ू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं पिछला इलेक्शन भी गधे पे गया था, कुछ लोगों ने मजाक, गधा रेडी पे गया था, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाई, गधे पे सवारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक ने की है। आज भी मैं गधा रेडी पे जा रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं अपना तकब्बुर में अंदर अपना मैं मार के जा रहा हूँ, मैं अपने गरीब मजदूर को भी ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, और के हम गरीबों के मसाइल दुख समझते हैं, क्योंकि मैं गुरबत से आया हूँ, मैं यहाँ के बड़े बड़े जागीरदार वडेरों को चैलेंज किया, हाँ मैंने लोग वोट भी लोगों से एक ज़मीर का मांग रहा हूँ, मुझे वोट देंगे इनकी मोहब्बत है, नहीं देंगे तो मैं ये गधा रेडी चला के अपनी मजदूरी कर लूँगा, अपना रोज़ी बसर का सर सलीका है। मैंने एमएनशिप अपने ऊपर सवार नहीं की, मैं हमेशा आज जो अल्लाह के आगे झुका हूँ, गरीबों की खिदमत की है, मजदूरों की, अल्लाह ताला ने मुझे पूरे मुल्क में इज्जत दी है, मैं गरीबों के जो पाकिस्तान का पावर तबका है, मजदूर तबका, मैं उनके दिल में बसता हूँ। इंशाल्लाह मेरा ईमान है, मेरा सच का सफ़र है, मैं पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकला हूँ, मेरा इलेक्शन भी, मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरे दोस्तों को कामयाब करेगा, और मेरा यकीन है, मैं ऐद करता हूँ, आज पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि मैं अल्लाह को शहद करके इस चीज़ का हल्फ देता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ने मुझे इक्तदार, तो मैं झोपड़ी में बैठकर मैं पाकिस्तान को चलाऊंगा, पाकिस्तान के मसाइल हल करूंगा, और इंशाल्लाह हमारी जदोजहदी है कि रोशन पाकिस्तान इस मुल्क में गरीब को इज्जत मिले, किसान को इज्जत मिले, मजदूर को इज्जत मिले, नौजवानों को, जो करोड़ों नौजवान मौजूद है उनको नौकरियाँ मिले, हम डैम बनाएं, हमारा पानी ज़ाय हो गया, अभी हमें पानी नहीं मिल रहा, बड़े मसाइल हैं, मगर इंशाल्लाह मैं अल्लाह से भी ऐद करता हूँ, पब्लिक से आवाम से भी वादा करता हूँ कि अल्लाह हमारी मदद करे, आप लोग मेरा सच का साथ दें, आज वक्त की जरूरत है। सही, हाँ इंशाल्लाह मैं कितने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट आप दे रहे हैं।
हाँ पाकिस्तान अवामी राज को हमारे हमें जो कौमी और सूबाई असम्बली की जो दरख्वास्तें मसूल हुई हैं तकरीबन कोई 50-52 दरख्वास्तें हैं, और मैं इंशाल्लाह आज जो कागज़ जमा कराने जा रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ में, यहाँ पे NA 182, NA 183, NA 184 और PP 276 पे, और आगे मैं इंशाल्लाह आज ही NA 181 कोटा दूसरे और NA 185 जो तो इसे मैं कागज़ जमा कराऊँगा, और आगे इंशाल्लाह कल ही मेरा है अपना NA 199 जो है ना तौसा शरीफ से मैं कागज़ जमा करा रहा हूँ। उसके बाद जलालपुर पीर वाला और रहीम यार खां से भी मुझे एक दोस्तों की ख्वाहिश है, उससे इंशाल्लाह कल मैं वहाँ भी कागज़ जमा कराऊँगा, मगर मैं इलेक्शन जो लड़ने का फैसला है वो मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह 4 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी हम जो है ना उस पर दोस्तों के साथ मुशावरत करके जो है ना अगले कल अगला लाइ अमल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ ये इसका मैं अभी कागज़ जो जमा करा दी उसका इंशाल्लाह ताला बाकायदा डिसीजन कर लेंगे, मगर मुजफ्फरगढ़ की इंशाल्लाह ताला ये तो क्लियर है कि मुजफ्फरगढ़ का जो ये हल्कियाँ ये जो मैं कागज़ जमा कराऊँ यहाँ ज़रूर इंशाल्लाह ताला लड़ूंगा, और अल्लाह के फजल से अल्लाह हमारी रहनुमाई करेगा। मैं मीडिया के दोस्तों का भी अपने गरीब वर्करों का तमाम पाकिस्तानी गरीब अपने माओं बहनों का भाइयों का मजदूरों का किसानों का नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ गो हैं फिर कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारी अदलिया को हमारे इदारे बेहतर हों, हमें सियासतदान अच्छे मिलें ताकि ये मुल्क जो है ना खुशहाली और तरक्की की तरफ जाए, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन यकीनन एक अच्छा और बेहतरी की तरफ है, और पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह सही फैसले करेगी और इस तासुब से इलाका परस्ती से कौमियत से फिरका वारियत से निकल कर इंशाल्लाह सही लोगों को मुंतखब करेगी। ये मैंने अपील की, बहुत मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।